नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपन जिस क्लास में बात कर रहे थे, लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी, जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे वो था केमिकल काइनेटिक्स। और उसमें मैंने लास्ट क्लास जो थी उसमें आप लोगों को एक बड़ा जो टॉपिक था उसकी बात की थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज अपन बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। तो आज सेकंड जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड अपना जो टॉपिक जो रहेगा, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, यू कैन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। अपन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? अब देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था जब वहां पे हेडिंग आप लोगों को डलवाई थी कि चाहे कोई से भी कोटि की बात करें, अपन पांच स्टेप की बात करेंगे। याद आ गया होगा आप लोगों को, तो बताइए पहला स्टेप कौन सा था, उसकी परिभाषा। तो नंबर वन अपन बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की, क्या है उसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा की अगर अपन लोग बात करें तो क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग केवल और केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पे क्या करता हो, निर्भर करता हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। तो लिखिए आप लोग इसकी परिभाषा, मैं बोल भी रहा हूं और मेंशन भी कर रहा हूं, तो कोशिश ये करें कि जो मैं बोलूं उसको साथ साथ में आप लोग नोट कर लेवे। मतलब कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो। ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी कहलाएंगे, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। तो इन्हें प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहा जाता है। आगे बात समझ में, ये कौन सी परिभाषा हो गई, पहली परिभाषा की, ऐसी रिएक्शंस जिसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल और केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। बोलो, पहली परिभाषा बहुत आसान है, बताइए इसके बाद में अपन क्या करते थे, इसकी दूसरी परिभाषा। तो अथवा में दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि में मैंने आपको सबसे लास्ट में एक चीज लिखवाई थी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु की सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता, अभिक्रिया की कोटि। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तो उसमें सांद्रता पदों का घातांक का योग क्या होगा, केवल क्या आएगा, एक आएगा। कहने का मतलब क्या होगा, वे अभिक्रियाएं, तो दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणु की सांद्रता की प्रथम घातांक के समानुपाती होता हो। कौन सी घातांक के, प्रथम घातांक के
समानुपाती होता हो, प्रथम घातांक के समानुपाती होता हो तो ऐसी अभिक्रियाएं, तो ऐसी अभिक्रियाएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। कौन सी कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं? शून्य में प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। ये बात समझ में आ गई? तो पहला स्टेप अपना क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। पहले स्टेप में अपन लोग क्या करते हैं? दो परिभाषा करते हैं। तो बहुत आसान है, देखिए क्या है। प्रथम कोटि अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग नाम से ही विदित है, प्रथम का मतलब केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होंगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? अभिकारक अणु की सांद्रता के कौन से घातांक के? केवल प्रथम घातांक के क्या होता हो? समानुपाती होता हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं आप लोगों की? प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। बोलो बात क्लियर हुई? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन आगे की बात करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, बताइए सेकेंड स्टेप अपन क्या करते थे, याद कीजिए आप लोग। क्या समाकलित वेग समीकरण करते थे क्या? सेकेंड स्टेप अपन लोग क्या करते हैं? समाकलित वेग समीकरण, यही तो करते थे। तो अब अपने को कौन से ऑर्डर का समाकलित वेग समीकरण चाहिए? इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का तो आप लोगों को याद होगा क्या आया था, समीकरण नंबर 5 एक्स बराबर आया था ना के जीरो टी। लेकिन यहां कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो अब आप लोग जो है पूरी तरीके से बोर्ड पे देखिए, अपन इसकी जो समाकलित वेग समीकरण है उसको लेकर के आते हैं। देखिए बोर्ड पे सबसे पहले मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इधर बोर्ड पे माना कोई अभिक्रिया, माना कोई रिएक्शन निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। नाउ वी एज्यूम ए रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस फॉलोइंग वे। निम्न प्रकार से क्या हो रही है? संपन्न हो रही है। देखिएगा, ये आपका कोई एक अभिकारक अणु ए है और ये आप लोगों का कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना रहा है क्या? पी। अभिकारक क्या बना रहा है? उत्पाद। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अभिकारक अणु की प्रारंभिक सांद्रता क्या है? स्मॉल ए। यदि अभिकारक अणु की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए है और आप लोगों से कहूं कि टाइम टी बराबर क्या है? जीरो। टाइम टी बराबर क्या है? जीरो। इसका मतलब अभी रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, और रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई तो क्या उत्पाद बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब उत्पाद की सांद्रता क्या जाएगी? जीरो। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि टी बराबर यहां पे समय क्या हो गया? टी डैश। टी बराबर समय क्या हो गया आप लोगों का? टी डैश। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? टी बराबर टी डैश का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन की अब शुरुआत हो चुकी है, और जब रिएक्शन की शुरुआत हो चुकी है इसका मतलब प्रोडक्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मैं एक्स लिखता हूं तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी क्या? ए माइनस का एक्स। एक बात और एक एक्स्ट्रा बात साथ साथ में बता देता हूं आपको, यहाँ पे नोट नहीं करनी है। अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि यहाँ पे टी का मतलब ले लेता हूं मैं टी हाफ, ये अपन लोग अर्धायुकाल में पढ़ेंगे। अगर मैं टी की वैल्यू ले लेता हूं टी हाफ, तो किसी अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल वह समय होता है जब अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रह जाती है? आदि। तो यहां अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये नोट करने वाली चीज है, आगे अपन इसको नोट करेंगे, लेकिन अभी इसको समझिएगा। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है? ए। ये क्या रह जाएगी? टी हाफ पर आदि। तो ये एक्स जो आएगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ए बाई टू। इस चीज को यहां नोट नहीं करना आप लोग, जब मेंशन करोगे मैं बोलूंगा ये अर्धायुकाल के लिए मैंने आप लोगों को ये चीज बताइए। तो ये चीज आपको समझ में आई गया कि एक रिएक्शन इस तरीके से संपन्न हो रही है। अब देखिए अपन बात करते हैं अभिक्रिया की परिभाषा अनुसार। अभिक्रिया की परिभाषा अनुसार और अभिक्रिया की परिभाषा क्या बोल रही है? अभिक्रिया की परिभाषा ये बोल रही है कि अभिकारक जो है आप लोगों की अभिक्रिया, उसमें अभिक्रिया का वेग
अभिकारक अणु की सांद्रता के कौन से घातांक के समानुपाती होगा? प्रथम घातांक के समानुपाती। तो जो परिभाषा अपन लोगों ने लिखी थी सेकंड, उसको एक ही शब्द में किस तरीके से करेंगे कि अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारक अणु कौन सा है? ए। और इसकी सांद्रता के कौन से घातांक के, प्रथम घातांक के क्या होगा? समानुपाती होगा। आगे बात समझ में। देखिए अभिक्रिया के वेग की आप लोग बात करोगे तो ये उत्पाद बन रहा है आप लोगों का dx अपॉन क्या है? dt, समय के साथ। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट आएगा k। और अपन पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया को, तो यहां बताइए k0 लिखूंगा या k1 लिखूंगा? 0 तो तब लिखते जब ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की होती? शून्य कोटि की। अब ये कौन सी की है? प्रथम कोटि की। तो मैं के को क्या लिख देता हूं? K1। और एक बात बताइए आप लोग, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है, या अभिकारक की सांद्रता क्या है? ए माइनस का एक्स और इसका पावर क्या है? 1। तो किसी भी चीज का पावर 1 होता है तो वही उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। तो कुल मिलाकर के ये इक्वेशन अपने पास में क्या आ गया? dx अपॉन क्या आ गया आप लोगों का? dt बराबर ये क्या आ गया आपका? k1। और a माइनस का क्या आ गया? x आ गया। यह है इक्वेशन आप लोगों का। अब देखिए इस इक्वेशन में अपन लोग क्या करते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? अब देखिए इस a माइनस एक्स को मैं यहां लेकर के आ रहा हूं ताकि dx अपॉन क्या हो जाए अपना? a माइनस का x। और इस dt को मैं इधर लेके जा रहा हूं। तो अगला स्टेप जो आप लोगों का बनेगा, देखिए यहां से ये तो आप लोगों का dx है ही है, अगले वाले स्टेप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये चीज क्या है आप लोगों का? dx। और a माइनस एक्स को मैं यहां लेकर के आ रहा हूं तो ये क्या हो गया आप लोगों का? a माइनस का x। बराबर देखिए k1 तो वही है आप लोगों का, और dt को आप लोग इधर लेकर के आ गए। इस इक्वेशन को मैं कौन सा इक्वेशन बोल देता हूं? इक्वेशन नंबर 1। ये तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का कौन सा वेग समीकरण है? अवकलित वेग समीकरण। जबकि अपना जो सेकंड स्टेप है वो कौन सा है? समाकलित वेग समीकरण। इसका मतलब अब अपने को क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 का समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, अभी आप लोग कुछ मत लिखिएगा, केवल बोर्ड पे देखिएगा, समीकरण 1 का समाकलन करने पर क्या है? समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो समीकरण 1 क्या है आप लोगों का? dx अपॉन a माइनस का x। तो ये आप लोगों का 0 से लेकर के x तक का क्या आएगा? dx अपॉन a माइनस का x। और बताइए k1 क्या है आप लोगों का? रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। और यहां पे ये चीज क्या है आप लोगों का? dt। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बताइए आप लोग मेरे को, अगर मैं बात करूं तो k1 क्या है आप लोगों का? रेट कांस्टेंट। dt का अगर आप लोग किसी भी चीज में, ये एक फार्मूला होता है आप लोगों का, dx का आंसर हमेशा क्या आता है आप लोगों का? x। तो dt का आंसर क्या जाएगा? t। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके साथ में एक क्या आएगा आप लोगों का? समाकलन स्थिरांक क्या आएगा? c। क्या आएगा? समाकलन स्थिरांक क्या आएगा आप लोगों का? c आएगा। और इसका अगर आप लोग समाकलन करते हो तो मैथ के स्टूडेंट तो सीधा क्या लिख देंगे उसको? माइनस का ln a माइनस का x या माइनस log a माइनस का x। लेकिन अब प्रॉब्लम किने हो रही है बायोलॉजी वालों को, मैथ वालों के लिए मैं ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। कि अगर आप लोगों से बात करूं, क्यों नहीं करूंगा? बायोलॉजी वालों के, अगर मैं आप लोग पढ़ रहे हो, टिश्यू पढ़ रहे हो, और मैं वहां कोशिका की परिभाषा बताऊं तो आपको लगेगा कि सर जब उत्तक ही पढ़ा रहे हो आप तो कोशिका को क्या बता रहे हो, है ना भाई? इनिशियल जब अपन बात करें तो सेल का, अगर अपन टिश्यू की बात करें तो कोशिका को नहीं बताया जाता, लेकिन वही बात अगर मैथ वालों में की जाए तो उन्हें कोशिका को बताना पड़ता है। तो मैथ वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का आंसर क्या आएगा? माइनस का ln a माइनस का x। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमें ये चीजें, क्योंकि केमिस्ट्री तो बायोलॉजी वाले भी पढ़ेंगे, तो इसको हमें खोल करके बताइए कि ये इस फार्मूले में यहां ये क्या हो गया कि सीधा ही dx अपॉन a माइनस x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का ln a माइनस का x। तो ये जो समाकलन का जो अपने पास में फार्मूला है, इसको अपन ओपन करते हैं और इसको अपन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। देखिए एक बार के लिए मैं अगर आप लोगों से कहूं कि ये जो a माइनस का x है, इधर देखिए थोड़ी सी दूर में अपन लोग इस चीज की बात कर लेते हैं, बायो वाले स्टूडेंट इस चीज को नोट करेंगे, मैथ वालों को अगर अब भी ये प्रॉब्लम है तो फिर मैथ लेने की कोई बात नहीं होती है, ठीक है? अब देखिए बायोलॉजी वालों के लिए अपन, मैं आप लोगों से कहूं कि a माइनस का x बराबर क्या? अगर मैं इस वेजिए जो वैल्यू है आप लोगों का a माइनस का x, a माइनस का x जो वैल्यू है इसको मैं मान लेता हूं बराबर किसके? t के।
अब मैं इसका क्या करता हूं, पहले अवकलन करता हूं, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के संदर्भ में आंसर क्या आएगा, जीरो रहेगा, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा dx, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का dt। x का क्या हो जाएगा भाई, माइनस x है तो क्या हो जाएगा माइनस का dx, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का dt। आई बात समझ में? आगे देखिए, मैं अगर dx की बात करूं तो ये माइनस किधर चला जाएगा उधर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का dt। आपको ये बात समझ में आई गया, a माइनस एक्स के जो वैल्यू है मैंने वो मानी क्या आप लोगों का स्मॉल t, क्या माना स्मॉल t, फिर मैंने क्या किया इसका अवकलन किया, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कोई आंसर होगा नहीं, तो ये बचेगा आप लोगों का माइनस का dx बराबर क्या रहेगा dt। अब अगर मैं dx को लिखना चाहूं dx की फॉर्म में, यानी कि इस माइनस को मैं उधर ले जाना चाहूं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का dt। अब देखिए आप लोग, अगर अपन लोग इस चीज की बात करें, देखिए अपने पास में जो फार्मूला वो क्या है आप लोगों का dx अपॉन a माइनस का x। एक बार आप लोग इस चीज को समझिए, dx अपॉन क्या है a माइनस का x, मैंने ये लिखा आप लोगों का dx अपॉन a माइनस का x। आई बात समझ में? तो एक बात बताइए, ये जो आप लोगों का a माइनस x है इसको अपन लोगों ने क्या माना है t माना है, तो इसके स्थान पे तो मैं क्या लिख देता हूं आप लोगों का t, भाई लिख सकता हूं ना यहां पे आप लोगों का a माइनस का x, इसको मैंने यहां पे क्या माना, देखिए यहां और यहां दो जगह देखिए आप लोग, तो a माइनस एक्स के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूं आप लोगों का t। आई बात समझ में? और dx की देखिए यहां देखिए आप लोगों का dx की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं माइनस का dt, तो ये तो समाकलन का साइन आ गया और माइनस बाहर आ गया और ये क्या हो गया आप लोगों का dt। आई बात समझ में? अगर आप लोगों का dx अपॉन x होता है उसका समाकलन करते हैं तो आंसर आता है log x या आप लोगों का ln x, लेकिन यहां अब dx अपॉन x की बजाय, मेरी बात को सुनिए धैर्य के साथ में, फिर मैं दोनों तरीके बता दूंगा आप लोगों को कि ये तो समझने का तरीका होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है बायो वाले स्टूडेंट को, तो मैं उसका सीधा तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी तो मैं पूरी तरीके से आप लोगों को इसको क्लियर करूंगा कि इस तरीके से ये चीजें आप लोगों के आंसर में आ रही है। क्लियर? अब देखिए dx अपॉन x का आंसर क्या होता है ln x, क्या होता है ln x, तो dt अपॉन t का आंसर क्या हो जाएगा ln t, क्या हो जाएगा ln t, और ये माइनस का जो साइन है वो कहां जाएगा बाहर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब एक चीज देखिए, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया ln t, और t को आप लोगों ने क्या रखा है a माइनस का x, तो वापस t के स्थान पे आप लोग क्या रख दो माइनस का ln, और t के स्थान पे ये क्या आ गया आप लोगों का a माइनस का x। मिल रही है ना बातें? ये देखिए आप लोग यहां पे, तो मैंने बायो वाले स्टूडेंट के लिए ये बताया कि dx अपॉन a माइनस x का अगर आप लोग समाकलन करोगे तो आपका फाइनल इक्वेशन आएगा माइनस का ln a माइनस का x अथवा log a माइनस का x बराबर k1t प्लस का c। अब इस चीज को आप लोग जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, जब मैं कहूं तो इस चीज को वो स्टूडेंट क्या करें नोट कर लेवें, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को घबराहट होती करती है तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें केवल केमिकल काइनेटिक्स में मैथमेटिक्स की जरूरत रहेगी, तो आप लोग ये जो सीधी जो इक्वेशन आ रही है उन्हें थोड़ा सा आप लोग याद कर लें, ताकि आप लोगों को अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है या आपको ये लगता है कि हम फिर से इसे भूल जाएंगे, तो आप लोग सीधा जो इक्वेशन है कि समीकरण एक का अगर आप लोग समाकलन करोगे तो अगली इक्वेशन क्या आएगी भैया उसको रटना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर समझना है तो इस तरीके से चलिए, यहां अगर आपको ये लगता है कि हमें जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, हम भूल जाएंगे माइनस का साइन भूल जाएंगे, तो भैया आप लोग इस चीज को छोड़ करके पूरा इसी चीज को याद रख लीजिएगा कि समीकरण एक का समाकलन करने पर अगला स्टेप क्या आएगा वो फिर ध्यान में रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब देखिए इस वाली समीकरण को मैं कौन सा नंबर दे रहा हूं, समीकरण नंबर कितना है ये आप लोगों का दो। अब एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि समय t बराबर जीरो है, और t बराबर जीरो का मतलब आप लोग भली बातें समझ गए होंगे, t बराबर जीरो का मतलब क्या होता है, बोले सर अभिक्रिया की शुरुआत ही नहीं हुई, यही तो होता है, और जब अभिक्रिया की शुरुआत ही नहीं हुई तो उत्पाद बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो उत्पाद की सांद्रता को किससे रिप्रेजेंट किया है x से, तो क्या x बनेगा क्या, t बराबर जीरो है तो x ऑलरेडी क्या हो जाएगा आप लोगों का जीरो हो जाएगा। आई बात समझ? और ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं समीकरण नंबर दो में रख रहा हूं, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण दो है, यहां मैं वैल्यू रख रहा हूं टी बराबर जीरो और एक्स बराबर क्या है जीरो, तो ये टी है, देखिए मैं इस तरीके से वैल्यू रख रहा हूं समीकरण नंबर दो में, ये सी है आप लोगों का,
ये प्लस और किसी भी चीज को आप लोग जीरो से मल्टीप्लाई करो वो क्या हो जाएगा अपने आप में जीरो। आई बात समझ में? तो यहां टी की वैल्यू क्या है जीरो, तो के वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने आप में क्या हो गई जीरो। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करें माइनस का एल एन ए माइनस का एक्स, तो यहां किसकी वैल्यू जीरो रखूं बताओ, ए की जीरो रखूं या एक्स की? भाई एक्स की जीरो रखनी है, तो ये चीज क्या हो जाएगी माइनस का एल एन ए। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा आपका माइनस का एल एन ए, तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में माइनस का एल एन ए, ये वाला इक्वेशन आया अपना नंबर तीन। ठीक है, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेकर के आप खुद अपने हाथ के द्वारा इन चीजों को नोट करोगे ताकि अगला स्टेप में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं। शुरू हो जाइए और आप लोग इस चीज को उतार लीजिए। ठीक है, नोट कीजिएगा आप लोग। आप लोग उतारते रहिए साथ साथ में। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं मैंने आपको कहा क्योंकि ये चीजें आप लोगों के समझ में आएगी ना तब जाकर के आप लोगों में क्या आएगा कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतारोगे तो फिर मैं अगला स्टेप जो इक्वेशन नंबर चार लेकर के आऊंगा तो आप लोग उसमें थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आप लोगों को। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद अपने हाथ से इस चीज को लिखोगे तो आपने कॉन्फिडेंस आएगा और अगला स्टेप जब मैं कहूंगा तो आप लोग खुद इस चीज काम को करने लग जाओगे। बहुत आसान है, अपने पास में ये यूनिट सबसे टफ भी होती है। टफ तो तब होती है जब चीजें अपने को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब चीजें अपने एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लग जाती हैं, सुनते रहिए आप लोग और साथ में उतारते भी रहिए। ठीक है, तो जब चीजें अपने समझ में आ जाती हैं तो फिर वो चीज टफ नहीं रहती, फिर वो औरों को टफ लगती है लेकिन अपने को क्या लगती है वो चीजें आसान लगती हैं और आराम से अपने पास में क्या है नंबरों का जो है अपना खेल वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 6.5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन आराम से 5-5.5 नंबर का उसमें से कवर कर जाते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन में 5 नंबर आते हैं तो आप लोगों के टोटल 5 क्वेश्चन हैं तो 25-26 मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे बेटर आप अपनी कोशिश करोगे, साथ में काम करोगे तो इससे ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हो। और अमूमन स्टूडेंट जो हैं क्लास में 15-20 बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके नंबर जो है 27-28 से ऊपर भी होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। मैथ वालों को वो चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें उनको तो क्लियर आती होंगी। अब भी नहीं आती हैं तो फिर मैथ लेने में थोड़ा सा क्या है सवालिया निशान है। बाकी बायो वाले स्टूडेंट हैं साइड में लिख करके उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो बच्चे जिन्हें ये चीज़ें लगती है कि ये कन्फ्यूज है सर हमें बाद में भूल जाएंगे एग्जाम टाइम पर याद नहीं रहेगा, तो उन चीज़ों को याद रखने की बजाय सीधा ही अगला स्टेप याद कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों ने इस चीज़ को उतार लिया होगा। देखिए आज की क्लास में अपन जो करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन है अपना, उसको अपन क्या कर जाएंगे कंप्लीट कर जाएंगे। तो देखिए ये समीकरण नंबर 2, अब एक बार आप लोग रुक जाइए और फिर बोर्ड पे देखिए ये इक्वेशन कौन सा है 2 नंबर, और ये इक्वेशन कौन सा आप लोगों का
तीन नंबर, मैं यहां पे बोल रहा हूं समीकरण नंबर दो व तीन से, समीकरण दो व तीन से। तो देखिए आप लोग, मेरे ये बता रहा हूं कि C का जो मान समीकरण तीन में आया है वो क्या है, माइनस का ln A, इस वैल्यू को आप लोग C में रखना है। तो एक बार आपको उतारना नहीं, केवल समझिएगा, क्योंकि वक्त आपके पास में खूब है, घर पे बैठे बैठे इन चीजों को उतार लेना। देखिए मैं बात कर रहा हूं माइनस का ln और ये A माइनस का x बराबर ये क्या है K1t, और C की वैल्यू क्या है माइनस का ln A। आ गई बात समझ में, इसका पक्षांतरण करेंगे तो K1t को तो आप लोग यही रख लीजिए, ये क्या आ गया आप लोगों का K1t, और इस ln A को इधर लेके आओगे तो ये माइनस से किस में आ जाएगा प्लस में, और ये वैल्यू अपने आप में क्या है माइनस का ln A। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि किसी जगह ln A माइनस का ln B होता है, अगर किसी जगह माइनस का ln A अपॉन ln B होता है तो उसका लिखने का एक तरीका ये भी होता है, बट्टा में उस चीज को लिख दीजिए ln A अपॉन B। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इसको साथ में बायो वाले स्टूडेंट नोट करेंगे, मैथ वालों के लिए कोई ज्यादा कंपलसरी ये चीजें नहीं है। तो ln माइनस ln ln B, इसका आंसर क्या आता है ln A अपॉन B, ये वाली चीज क्या है ln, और ये ऊपर क्या जाएगा A, और यहां B के स्थान पे क्या है आप लोगों का A माइनस का x, तो ये ln A माइनस का क्या हो गया x, बराबर ये चीज क्या आ गई आप लोगों का K1t, क्या आ गया आप लोगों का K1t। और आगे मैं आप लोगों से बात करता हूं K1 बराबर, तो ये चीज आएगी आप लोगों का 1 अपॉन t ln A अपॉन A माइनस का x, जो कि कौन सा इक्वेशन होगा समीकरण नंबर चार, और समीकरण चार को ही प्रथम कोटि अभिक्रिया का कौन सा समीकरण बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। क्लियर है, तो आप लोग इस चीज को मेंशन और कर लीजिए, इस चीज को आप लोग उतार लीजिए। अपने पास में फाइनल इक्वेशन आया है इक्वेशन फोर, और समीकरण चार को ही प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या कहा जाता है समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। तो उतार लीजिए आप लोग समीकरण नंबर चार तक, सबसे पहले C की वैल्यू रखो, वो वैल्यू क्या आप लोगों का माइनस का ln A, ठीक है, और माइनस का ln A जब उधर जाएगा तो प्लस का ln A, तो ln A माइनस का ln B अपो बराबर इसको क्या लिख सकते हैं ln A अपॉन B लिख सकते हैं। आई बात समझ, अगर यहां प्लस का साइन होता तो ln A डॉट B भी लिखते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, यहां बट्टा के रूप में, वहां मल्टीप्लाई के रूप में, ये लोग के अपने फार्मूले होते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो इस चीज का तो A है और इसको मैं B मान लूं तो ये क्या आ जाएगा A माइनस का X बराबर K1T। तो आंसर आएगा फाइनल आपका इक्वेशन नंबर फोर में K1 बराबर 1 अपॉन T ln A अपॉन A माइनस का X। ठीक है, उतार लिया होगा आप लोगों ने। फाइनली आप लोग लिख सकते हो समीकरण चार को प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। समीकरण चार को प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। इक्वेशन फोर इज नोन एज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, अगली क्लास जो होगी उस क्लास को लेने से पहले आप कोशिश ये करोगे कि अपना तीसरा स्टेप क्या होता है एट द यूकॉल, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि A और X जो है यहां अपने X की वैल्यू पुट करें और फाइनली अपना एट द यूकॉल क्या आ सकता है आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगली क्लास में अपन जो बात करेंगे वो तीसरे स्टेप की बात करेंगे एट द यूकॉल, तो घर पे बैठ करके इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एट द यूकॉल क्या आ सकता है और एट द यूकॉल का प्रारंभिक सांद्रता से क्या संबंध होता है। क्लियर है, तब तक के लिए आप लोग इन चीजों को घर पे रिवाइज करोगे। धन्यवाद।